मानवीय मूल्यों की रक्षा हेतु मानवाधिकार मौजूदा दौर में ग्लोबल इशू बन चुका है, किंतु इसके साथ एक बड़ी समस्या भी आन खड़ी हुई है, और वह है सेलेक्टिव भूभाग और सेलेक्टिव समूह के लिए आवाज बुलंद करना, जिसे आज की राजनीति में एजेंडा कहा जाता है। और इसी एजेंडा के तहत उठाई जाने वाली आवाज ने पूरे मानव अधिकार आंदोलन को शर्मसार करके रख दिया है। मेरा स्पष्ट मानना है कि दुनिया की किसी भी भूभाग में किसी भी मानव समूह के साथ अन्याय हो रहा हो तो इसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के आवाज बुलंद करना चाहिए। उइगर और बिगर समुदाय के मुसलमानों का ऐसा ही एक बड़ा वर्ग समूह है जो न्याय की आस लिए दुनिया के बुद्धिजीवियों से मदद की उम्मीद में बैठा है, पर कतिपय कारणों से दुनिया के बुद्धिजीवी इस पर अपना जुबान खोलने से बचना चाहते हैं। आज हम इसी समस्या की विस्तार से समीक्षा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमसे नियमित जुड़ने के लिए आप अपने मोबाइल में हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप kknlive.com पर सीधे भी विजिट कर सकते हैं। खबरों की खबर के इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे उइगर और बीगर मुसलमानों की। दरअसल मानव का यह समूह चीन के सिंजियांग प्रांत में सदियों से रहते आया है, किंतु हालिया वर्षों में चीन की वामपंथी सरकार ने धर्म के आधार पर इस समुदाय को कुचलना भी शुरू कर दिया है। ताज्जुब की बात यह है कि कतिपय कारणों से विश्व बिरादरी ने इस समस्या की ओर से अपना मुंह फेर लिया है और कोई भी इसे गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि इस्लाम को आतंकवाद से जोड़कर दुनिया में उसका खौफनाक चेहरा प्रस्तुत कर दिया गया है, किंतु दुनिया के किसी कोने में जब इसी इस्लाम को कुचला जा रहा हो तो ऐसे में तथाकथित बुद्धिजीवियों की खामोशी समझ से परे हो जाता है। ताज्जुब की बात तो यह है कि दुनिया में इस्लाम का झंडा बुलंद करने वाले मुस्लिम संगठन भी उइगर और बीगर समुदाय के मुसलमानों की समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसे चीन की अंतरराष्ट्रीय दादागिरी कह लें, जिसकी वजह से पाकिस्तान जैसा मुस्लिम देश भी उइगर और बीगर समुदाय के मदद में आगे आने से खुद को बचाना चाहता है। दरअसल चीन के सिंजियांग प्रांत में बड़ी संख्या में उइगर और बीगर समुदाय के मुसलमान सदियों से रहते आए हैं। हालिया वर्षों में चीन की सरकार ने इन मुसलमानों का दमन करना शुरू कर दिया है। चीन की वामपंथी सरकार के दमनकारी रुख अख्तियार कर लेने से सिंजियांग में चीनी समुदाय के हान जाति और उइगर मुसलमानों के बीच टकराव भी शुरू हो चुकी है। वर्ष 2008 में सिंजियांग की राजधानी उरुमची में हिंसा भड़क गई और इसमें करीब 200 लोग मारे गए। बताया गया कि मरने वालों में अधिकांश हान जाति के थे। यहीं से उइगर मुसलमान चीन के वामपंथी सरकार के निशाने पर आ गए। कहा तो यह भी जाता है कि चीन की वामपंथी सरकार ने बदले की रणनीति बनाई और एक वर्ष बाद ही वर्ष 2009 में उरुमची में सोची समझी रणनीति के तहत एक बार फिर से दंगा भड़का दिया गया। इस बार के दंगा में 156 लोग मारे गए। गौर करने वाली बात है कि मरने वालों में सभी के सभी उइगर मुसलमान थे। उस समय तुर्की ने इसका विरोध किया था और इसे एक बड़ा नरसंहार भी बताया था। इसके बाद वर्ष 2010 में चीन के सिंजियांग प्रांत से सिलसिलेवार हिंसक झड़प की खबरें आनी शुरू हो गई। सभी झड़पों में उइगर मुसलमान के मारे जाने की खबरें लगातार आती रही, बावजूद इसके किसी ने भी इसके विरुद्ध आवाज बुलंद करना जरूरी नहीं समझा। आपको याद होगा वर्ष 2012 में चीन की सरकार ने अपने एक एयरक्राफ्ट को हाईजैक करने की कोशिश करने के आरोप में 6 उइगर मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया था। चीन की सरकारी मीडिया ने खबर छापी थी कि जिस एयरक्राफ्ट को हाईजैक करने की कोशिश हुई थी, दरअसल वह एयरक्राफ्ट चीन के हाटन से उरुमची के लिए उड़ान भरने वाला था। पुलिस ने इसमें उइगर मुसलमानों का हाथ भी बताया था। इस आरोप में जिन 6 उइगर मुसलमानों की गिरफ्तारी हुई उनका आज तक पता नहीं चल सका है कि वह जीवित है या नहीं। घटना के एक साल बाद यानी वर्ष 2013 में इसके विरोध में उइगर मुसलमानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। चीन की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार इस फायरिंग में 27 उइगर मुसलमानों की मौत हो गई थी। उस वक्त चीन की सरकारी मीडिया का कहना था कि प्रदर्शनकारियों के पास
हथियार थे, जिस वजह से पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। इसी साल अक्टूबर महीने में बीजिंग की सड़कों पर एक कार बम धमाके हुए थे और इसमें 5 लोग मारे गए थे। चीन की वामपंथी सरकार ने इन धमाकों का आरोप भी उइगर मुसलमानों पर ही मढ़ दिया और एक बार फिर से उइगरों का दमन शुरू हो गया। दरअसल यह तो चंद वानगी है जो किसी तरह इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच सकी है और मैंने वहां से आपके लिए उठाया है। हालात इससे कहीं अधिक बदतर है। चीन की वामपंथी सरकार इस तरह की घटनाओं को मीडिया तक पहुंचने ही नहीं देती है। इस बीच चीन की सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि हिंसाग्रस्त सिनजियांग प्रांत में 2014 से जारी कार्रवाई के तहत अब तक करीब 13,000 उइगर आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस दौरान सूबे में सक्रिय सैकड़ों आतंकी संगठनों का सफाया करने का भी चीन दावा कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की तरह चीन में मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। चीन की वामपंथी सरकार ने वर्ष 2014 में एक आदेश पारित करके सिनजियांग प्रांत के सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले मुसलमानों पर रमजान के महीने में रोजा रखने और दाढ़ी बढ़ाने पर पाबंदी लगाई हुई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वर्ष 2014 में ही सिनजियांग प्रांत के कई मस्जिदों और मदरसों को बंद करवा दिया और उसके भवन गिरा दिए गए। ताज्जुब की बात यह है कि दुनिया का कोई भी मुस्लिम संगठन इसके विरुद्ध उठकर खड़ा नहीं हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि चीन की सरकारी मीडिया ने इस सब के लिए उइगर मुसलमानों के एक संगठन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को ही दोषी बता दिया है, जबकि चीन की सरकार इस हिंसा के लिए विदेशों में बैठे उइगर नेता लहम टोहती और डोलकन ईसा को जिम्मेदार बता रही है। इस बीच अमेरिका ने ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को उइगरों का एक अलगाववादी समूह बताते हुए दावा किया है कि इस समूह में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की क्षमता है ही नहीं, लेकिन चीन इसको आतंकी संगठन ही मानता है और इसको कुचलने के लिए समय समय पर कठोर सैनिक कार्रवाई भी करते रहता है। बीते कुछ समय से चीन ने सिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों की आबादी को कम करने की रणनीति पर भी काम करना शुरू कर दिया है। रणनीति के तहत चीन की सरकार ने हान जाति के चीनियों को बड़ी संख्या में सिनजियांग प्रांत में बसाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। लिहाजा हालिया 2 दशक में इस क्षेत्र में हान चीनियों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। उइगरों का कहना है कि चीन की वामपंथी सरकार हान चीनियों को सिनजियांग में इसलिए भेज रही है कि उइगरों के आंदोलन को दबाया जा सके। बहरहाल चीन की सरकार ने सिनजियांग प्रांत में रहने वाले हान जाति के लोगों को मजबूत करने के लिए हर संभव मदद करना भी शुरू कर दिया है। यहां तक कि सरकार की नौकरियों में हान समुदाय को ऊंचे पदों पर बिठाया जा रहा है। जानकार बताते हैं कि हान जाति को नौकरियों में ऊंचे पद पर बिठाने का एक कारण यह भी है कि सिनजियांग प्रांत पर चीन का कब्जा बरकरार रह सके, क्योंकि सामरिक दृष्टि से सिनजियांग प्रांत चीन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लिहाजा चीन की सरकार ऊंचे पदों पर विद्रोही रुख रखने वाले उइगरों को बिठाकर कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहती है। यहां आपको बताना जरूरी है कि इस्लाम को मानने वाले उइगर मुसलमान समुदाय के करीब 2 करोड़ लोग चीन के पश्चिमी प्रांत सिनजियांग में रहते हैं। सिनजियांग की सीमा मंगोलिया और रूस सहित 8 देशों के साथ मिलती है। उइगर मुसलमान मूल रूप से तुर्क माने जाते हैं। इस क्षेत्र में उनकी आबादी बहुसंख्यक थी, लेकिन जब से इस क्षेत्र में चीन ने हान समुदाय के लोगों को बसाना शुरू कर दिया है और बड़ी संख्या में सेना की तैनाती कर दी गई है, तब से यह स्थिति बदलनी यहां शुरू हो गई है। दरअसल पूर्वी तुर्किस्तान जो वर्तमान में सिनजियांग कहलाता है, वर्ष 1949 में इसको एक अलग राष्ट्र के तौर पर कुछ समय के लिए मान्यता मिल गई थी, लेकिन उसी साल चीन ने सैनिक कार्रवाई करते हुए सिनजियांग को चीन का हिस्सा बना लिया। वर्ष 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से यहां के लोग एक बार फिर से अपनी आजादी की मांग करने लगे और इसके लिए संघर्ष भी शुरू कर दिया। उस वक्त उइगर मुसलमानों के इस आंदोलन को मध्य एशिया के कई मुस्लिम देशों का समर्थन भी मिला था, लेकिन चीन सरकार के कड़े रुख के आगे किसी की एक नहीं चली। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि चीन की सरकार ने सिनजियांग में सभी ऊंचे पदों पर हान समुदाय के लोगों को बिठा रखा है। इसका नतीजा अब सामने भी आने लगा है। यह चीन की उस नीति को बताता है जिसके जरिए वह अपने यहां इस्लामी कट्टरता को रोकने की कोशिश करने में जुटा है। इसके तहत उइगर मुसलमानों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई है। 10 लाख से ज्यादा उइगरों को हिरासत केंद्र में रखा गया है। दरअसल चीन इन हिरासत केंद्रों को आधुनिक शिक्षा का केंद्र कहता है।
इस तरह के केंद्रों में इस्लाम का समाजीकरण किया जाता है ताकि कट्टरवाद पर लगाम कसा जा सके। इस क्षेत्र में चीन ने उइगर मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगा रखा है। चीन की वामपंथी सरकार का मानना है कि कानून से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। अब बात बीगर मुसलमानों की करते हैं। दरअसल चीन के सिनजियांग प्रांत से बीगर मुस्लिम नौजवानों के लापता होने का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है, जो चिंता का बड़ा कारण बनता जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि चीन की सरकार बीगर नौजवानों को गायब करा रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार मामलों की समिति के समक्ष चीन ने दावा किया है कि चीन में करीब 10 लाख बीगर मुसलमान विभिन्न शिक्षा केंद्रों में नए प्रकार की शिक्षा ले रहे हैं ताकि उनके कट्टरवादी सोच को बदला जा सके। यहां आपको जान लेना जरूरी है कि चीन की सरकार ने एक योजना बनाई। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में इस्लाम का चीनीकरण कर दिया जाएगा। यदि आप स्वयं इसका प्रमाण देखना चाहते हैं तो चाइनीज इस्लामिक एसोसिएशन की वेबसाइट का अध्ययन कर सकते हैं। यहां लिखा है कि इस्लाम धर्म को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के विचारों के अनुरूप करना जरूरी हो गया है। इससे पहले वर्ष 2015 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस्लाम धर्म का चीनीकरण करने की बात कह चुके हैं। शी जिनपिंग के इस ऐलान के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की एक इकाई यानी यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत इस्लाम के अतिरिक्त ईसाइयत और बौद्ध धर्म के चीनीकरण करने की योजना पर भी काम शुरू हो चुका है, किंतु इसमें सबसे अधिक फोकस इस्लाम धर्म पर दिया जा रहा है। चाइनीज इस्लामिक एसोसिएशन का मानना है कि साम्यवादी सिद्धांतों के अनुसार इस्लाम धर्म में बदलाव समय की मांग है। बहरहाल इस योजना के बारे में चीन की सरकार जानकारी साझा करने को तैयार नहीं है। तैयारी को बिल्कुल गुप्त रखा गया है। इस बीच ग्लोबल टाइम में छपी एक खबर के हवाले से कहा गया है कि निकट भविष्य में पूरी योजना का ब्लूप्रिंट लोगों के सामने आ जाएगा। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस खबर को चीनी भाषा में छपने वाली किसी भी अखबार में अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि दुनिया भर में मुसलमानों के हित में आवाज बुलंद करने वाले इस्लामिक संगठन और उसके कथित खलीफा सिनजियांग के उइगर और बिगर मुसलमानों के लिए चुप क्यों है? क्या सिनजियांग में हो रही सरकारी दमन उनके एजेंडा को सूट नहीं करता है? फिलहाल तो इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। यदि आपके पास इस सवाल का कोई जवाब हो तो मुझे भी बताइए, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। नमस्कार।